है तो ये फिश पॉइंट, लेकिन खाली मछली होती है क्या? नहीं नहीं, हमारे पास मटन भी होता है, दुम्बा भी होता है। ये मटन है, ये दुम्बा है। ये भी जो है ना, ये बड़ी हिम्मत की और हौसले की बात होती है कि माशाल्लाह कोई बंदा 60 साल से सिर्फ एक ही चीज बेच रहा हूँ। रैम्बो। रैम्बो, अरे रैम्बो है हमारे साथ, जान रैम्बो। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो है। मैसी इसका नाम है, हमने रखा मैसी। ये है जी गब्बर। गब्बर, ये रोलेक्स नाम है इसका, रोलेक्स। एग्रेसिव होते हैं वैसे ये। इस तरह से थैंक यू भाई, क्या हो गया? हौला हौला हौला, जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, चलो आगे चलते। अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं हूँ ज़िया तबारक और हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने रावलपिंडी, वहाँ पे चने बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं इमामबाड़ा चौक पे, ख्वाजा के चने, उनको टेस्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हमें जाना है फ़तेह जंग, क्योंकि वहाँ के कैटल फार्म जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं, आला नस्ल के मवेशी वहाँ पे होते हैं। और आपको पता है बकरीद आने वाली है, तो हमने कहा ज़रा देखें, भालें आप लोगों को भी दिखाएँ। और वहीं जो है ना वो शाहपुर डैम है, जहाँ पे पानी भी है ऑब्वियसली, और मछलियों का फार्म भी है, खाना पीना भी है। तो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू करते हैं। तो फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है यार। ये इमामबाड़ा चौक किधर है? सीधा जाएंगे भाईजान, चौक आएगा। सही है, चौक के साथ ही आपने खबे हाथ होना है। और वहाँ ख्वाजा के चने हैं मशहूर। जी सर, अच्छे होते हैं। पहुँच गए जी हम अंदरून की गलियों में, और ये रहे ख्वाजा जी चने वाले, ये देखें भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं, मज़े। ये रखे हैं भाई चने, हमें जो है ना वो बहुत लोगों ने कहा कि ख्वाजा जी के चने आप खाएं जाके। करतारपुरा तो हम बहुत आए, लेकिन ये थोड़ा इमामबाड़ा चौक के पास है ना, इधर नहीं आए हम। अच्छा, देखा है आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, इधर नहीं आए हम, इधर भी आ गए भाई। ढूंढते ढूंढते गलियों गलियों घूम लिए हम खाने के चक्कर में, पाकिस्तान की है। ये देखें भाई, ये है चने, ये भाई आलू भी हैं, चने भी हैं, सलाद, रायता, ये सब दिया जा रहा है। कितने बजे खोलते हैं दुकान? सुबह 7 बजे। अब बंद कब करते हैं? 2 बजे तक। 2 बजे तक सिर्फ चने ही होते हैं आपके पास? जुमातवार जौन सा ना वो जल्दी हो जाते हैं, तकरीबन 12 बजे तक खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और कितना कितना टाइम हो गया दुकान को ये? 60 ईयर्स। जब से यही चने चल रहे हैं? नहीं यार, जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई। करतारपुरा फूड स्ट्रीट जो है ना वो थोड़ा सा आगे ही है, और मुझे यहाँ के लोकल्स ने रिकमेंड किया कि ख्वाजा जी के चने जो है ना वो आप ज़रूर खाएं, क्योंकि लोग आते हैं और करतारपुरा में ही घूम के चले जाते हैं। वहाँ पे सूफी जी हैं, बहुत सारे चने हैं, लेकिन ये चने जो हैं ये भी बड़े आइकॉनिक हैं रावलपिंडी के। और यहाँ पे भी वही अंदरून वाला पूरा माहौल है, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड मोहल्ला है, इमामबाड़ा चौक कहलाता है ये इलाका। घूमते घूमते पूछते पूछते हम आए हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। अच्छा, नान यहाँ पे बन रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त नान, तिल वाले, तिल वाले नान, रोगनी नान, सारे नान बनते हैं, ज़बरदस्त भाई। गरम गरम नान यहाँ से बनते जाते हैं और यहाँ पे आते जाते हैं भाई, ज़बरदस्त। हाफ प्लेट कितने की है, फुल प्लेट कितने की है? 120 की हाफ है, वो फुल प्लेट 200 की। भाईजान ये बताएं, ये ख्वाजा जी कौन है? आपके वालिद साहब? अच्छा, तो उन्होंने ही शुरू किए थे आप जब से? माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपने एक ही चीज़ क्यों रखी, इसको बढ़ाया क्यों नहीं कि भाई चनों के अलावा और भी कोई चीज़ें रखें? बस एक ही है। पाए वाए ये वो सब नहीं रखे आपने? खोए वाले चने रखे? नहीं, बस एक ही, एक ही वेराइटी। ये भी खास बात होती है भाई, है ये कहना चाह रहा हूँ। एक चीज़ रखी है इन्होंने यहाँ से 60-70 साल से, लेकिन नंबर वन रखी है, ना कभी क्वालिटी पे कोई काम आया ना क्वांटिटी पे। हम तकरीबन लास्ट 10 साल से यहाँ पे खा रहे हैं, बहुत अच्छे चने, सफाई का अच्छा मियार है, पकाते बहुत अच्छे हैं। ये आ गए हमारे नान, और ये आ गए भाई हमारे चने। वाह जी वाह,
बहुत ज़बरदस्त देखने में चने लग रहे हैं, आलू भी इसके ऊपर हैं और ये हरी मिर्च का तड़का भी इसके ऊपर आया भाई। फ्राई चने कहलाते हैं ये, साथ में ये सलाद भी है और रायता भी है और असल चीज़ ये गर्मा गर्म नान। अच्छा भाई चने में पहले ज़रा वैसे ही खा के देखूँ बगैर नान के। बिल्ला हल्का सा जो स्पाइस का तड़का आता है ना वो असल चीज़ है। वैसे चने जो खोए वाले मलाई वाले होते हैं ना उनमें थोड़ा स्पाइस नहीं होता, लेकिन इन चनों में ज़रा स्पाइस है, बहुत लजीज जायका है, चने एकदम गले हुए हैं, बहुत मज़ेदार है। जो चीज़ लोकल रिकमेंड करे ना उसको ट्राई करना तो मस्त होता है भाई। थोड़े से चने, थोड़ा सा रायता और ये हल्की सी प्याज इसके ऊपर आप रख दें। एक चीज़ रखी है, सिर्फ एक चीज़, ये भी जो है ना ये बड़ी हिम्मत की और हौसले की बात होती है कि माशाल्लाह कोई बंदा 60 साल से सिर्फ एक ही चीज़ भेज रहा हो। हालांकि दुकान इनकी बड़ी है, नान बराबर मिल रहे हैं, लेकिन जायका और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अपनी एक चीज़ है लेकिन सॉलिड है। बेहतरीन भाई, मज़ा आ गया। ख्वाजा साहब चने बेहतरीन थे माशाल्लाह। बेहतरीन भाई, सबसे अच्छी बात यह कि थोड़ा मिर्च मसाला इस पे है लेकिन खा के आपको ना कोई जलन हो रही है ना कोई तेजाबियत हो रही है और हल्के फुल्के आपको लग रहे हैं, भारीपन महसूस नहीं हो रहा। बेहतरीन, मज़ा आ गया भाई, क्या बात है। भाई हम पहुंच गए हैं फतेह जंग और फतेह जंग जो है ना वो मशहूर है अपने मवेशियों के लिए। अभी तो हम शहर में हैं लेकिन यहाँ से सीधा आप आगे जाते हैं तो कोट फतेह खान एक गांव आता है और उससे पहले पूरा जो है ना वो चारों तरफ गांव चल रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत जो नस्ली बैल होते हैं ना ये शौक है यहाँ पे लोगों का पालने का, जो रेस में भी इस्तेमाल होते हैं, खूबसूरती के लिए भी लोग रखते हैं और क़ुरबानी के लिए भी जानवर यहाँ पे जो है ना वो पाले जाते हैं। तो मेन शहर में अभी हम हैं, यहाँ से आगे चलते हैं और गाँव में देखते हैं क्या माहौल है। इमरान भाई के साथ हम यहाँ पहुँच गए गगन गाँव में और यहाँ पे देसी डांड। देसी डांड क्या होते हैं, जो बुल होते हैं ना, बुल रेस में जो दौड़ने वाले होते हैं वो यहाँ पे हैं, वो पाले जाते हैं, तो उनको हम जरा देखते हैं भाई। यार देसी माल है ना, ये दौड़ाई है माल ही है। ये देखिए आप, इसकी हाइट जो है ऊंची है, टांगे इनकी लंबी है, दौड़ने वाले होते हैं ना ये। कुर्बानी नहीं होती, करते हैं इनकी कुर्बानी भी। वैसे किसी को अगर खरीदना हो तो कितने का होगा ये? यार इन्हें खरीद के बहुत कीमत है। कितनी? 15-15, 10-10 लाख। अच्छा ये नस्ल कौन सी है? ये फतेह जंगी नस्ल है। फतेह जंगी जो नस्ल होती है ना उसमें आँखें इनकी इस तरह से इनके। भाई क्या हो गया, हौला हौला हौला, जा रहे हैं टाटा भाई, बाय, चलो आगे चलते। आपका क्या नाम है? रैम्बो। रैम्बो, अरे रैम्बो है हमारे साथ, जान रैम्बो, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। भाईजान ये कुर्बानी के लिए हैं या ये रेस वाले हैं या ये? ये कुर्बानी के लिए हैं, रेस वाले ही हैं सारे। हाँ। लेकिन हमने इनको कुर्बानी के लिए तैयार किया है जी। ये तगड़ा जानवर है। मैसी इसका नाम है, हमने रखा है मैसी। वाह अरे माशाल्लाह यार ज़बरदस्त। हम 18 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। ओके। ये सफ़ेद कबूतर है जी, 19 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। अरे भाई डर क्यों रहा है, डर क्यों? ये है जी गबर। गबर जी, इसका हम 8 लाख रुपया मांगते हैं। अच्छा अच्छा ज़बरदस्त। ये लोरेक्स नाम है इसका, रोलेक्स भी है, गब्बर भी है और क्या क्या है, मस्ताना भी है, सफेद कबूतर भी है और इन सबको संभाल रहा है जान रैम्बो। जबरदस्त। अच्छा भाई अब हम आ गए एक दूसरे कैटल फार्म के ऊपर और यहाँ पे आप देखें गर्मी असल में बहुत ज़्यादा हो रही है और इन जानवरों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो ये पंखे के अंदर है सारे जानवर। यहाँ पे भी वही फतेह जंग की जो नस्ल है ना वही है यहाँ पे। माशाल्लाह भाईजान क्या प्राइस होगी इसकी? 25 लाख है। 25 लाख 25 लाख
एग्रेसिव होते हैं वैसे ही है। इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, इसको इसको बड़ा गुस्सा है। हौले हौले ये देखो भाई, ये रही गंदम। बड़ी मेहनतों से जो है ना ये गंदम पकती है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ से फिर ये आटे की मिल में जाएगी, वहाँ से पिसेगी, पैकेटों में बनेगी, फिर हम इसको ख़रीदेंगे। तो जब रोटी खाया करें ना तो इस सारे प्रोसेस को याद रखा करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और इन किसानों की मेहनत पे इनको दुआ भी दिया करें। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? ये भी फतेह जंगी नस्ल है ना, ये छोटे हैं अभी। ये गाँव का नाम क्या है? ये फतेह, कोट फतेह खान ना। गांव के तरीब हम रुके हैं और बहराम भाई का ये जो है ना माशाल्लाह, ये जानवर भी इनके हैं, घर भी इनका है और ये हमारी मेहमान नवाजी के लिए ले आए हैं कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी की तासीर होती है ठंडी, और जो गर्मी इस वक्त हो रही है ना उसके अंदर इस लस्सी की बात ही और है। बिस्मिल्लाह। हाय हाय भाई, नमकीन लस्सी होती है ना ये? जी नमकीन। ये क्या दूध के होता है क्या? किस तरह बनती है? दूध से बनती है ना, खाली दूध? हाँ, दूध बीच में ठंडा पानी डालते हैं, कुछ ठंडा पानी, नमक डालता है। इसमें दही वही तो नहीं होता? नहीं, दही नहीं, दही नहीं होता इसके अंदर, नमक होता है। ये भाई ताज़ा ताज़ा दूध, नमक, कच्ची नमकीन लस्सी, बेहतरीन। जज़ाकअल्लाह बहराम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। कोट फतेह खान में बिलाल भाई ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपने अभी तक नहीं किया है लेकिन फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, है ना। कोट फतेह खान के इन गांव में हमने आपको दिखाया फतेह जंग की जो आला नस्ल होती है ना, वो कहीं पे रेट थे 20 लाख, कहीं 25 लाख, लेकिन बात ये है कि 20 लाख का जानवर हो, 25 लाख का हो, या आपने कुर्बानी के लिए 12-15 हज़ार रुपये का कोई हिस्सा लिया हो, अल्लाह ताला के यहाँ जाती है आपकी नियत खुलूस। ना अल्लाह के यहाँ खून पहुँचता है, ना खाल पहुँचती है, ना इन जानवरों का गोश्त पहुँचता है। तो मेन चीज़ यही है, जानवर दिखाने का मकसद ये है कि ये एक पूरी इंडस्ट्री है, बहुत से लोगों का इससे रोज़गार वाबस्ता है, और जिनको अल्लाह ने दिया है उनको ये भी हुक्म है कि आप खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदें। लेकिन अगर नियत नमूद व नुमाइश की है और शो ऑफ करने की है तो फिर ऐसी कुर्बानी ज़ाया हो जाती है, और अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ़ इखलास ही पहुँचता है। यही हमारी आज की इस वीडियो का पैगाम है। ये जो जानवर हैं ये तो आपको पसंद आए होंगे, लेकिन ये गाँव का माहौल, इसकी तो बात ही अलग है। सुभान अल्लाह। हम पहुंच गए भाई अब शाहपुर डैम पे, और यहाँ पे ये अकड़वाल फ़िश पॉइंट बना हुआ है, किचन इनका सामने ही है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझको नज़र आ रही हैं, गर्मी बहुत शदीद है, देखते हैं खाने में क्या है और कुछ ट्राई करते हैं, और यहाँ से आपको व्यू भी दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला डैम का। अस्सलामु अलैकुम भाई जान, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। है तो ये फ़िश पॉइंट लेकिन खाली मछली होती है क्या? नहीं नहीं, हमारे पास मटन भी होता है, दूंबा भी होता है। अच्छा, कढ़ाई वढ़ाई ये वो सब? ओके, दोपहर में भी मिलेगा, अभी भी मिलेगा, सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा। काफ़ी बड़ा ये रेस्टोरेंट है अकड़वाल, और ये देखें आप यहाँ पे बन रही है ये कढ़ाइयाँ, मटन कढ़ाइयाँ बन रही हैं भाई, ये चीज़ तो बहुत सारी बन रही है। ये ऑर्डर आया भाई, ये मटन है, ये दुम्बा है, और मछली का है मछली? अच्छा, ये मछली, ये कौन सा मछली है? रोहू, कांटे वाला रोहू है। अभी गर्मी में भी चल रहा है मछली है? ग्रिल फिश। ग्रिल फिश, ये कौन सी मछली है भाई? ये रोहू है, ये सैमन है वो। ये कौन सी? सैमन, सैमन। अच्छा, कैसे है ये? ये चपली कबाब? ये चपली कबाब है, ये है टाइट, एक ग्रिल है, ये रोहू है? रोहू है। ये डैम से ही आती हैं? डैम हैं, डैम से पकड़ते हैं या फार्म की होती है? फार्म की है ना, ये पिंडी की डैम से आती है। ये क्या बन रहा है? मीठा बन रहा है कुछ? ये जेली बना ली, फालूदे की है। फालूदे की? फालूदा भी है? जी जी। अरे यार, लस्सी है कि नहीं? लस्सी नहीं, फालूदे आइसक्रीम, आइसक्रीम फालूदा है। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा डाइनिंग एरिया बना हुआ है भाई, ये रात में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक होती होगी, और यहाँ से आप ये व्यू देखें, बहुत खूबसूरत मंजर है।
शाहपुर डैम का इलाका है ये, यहाँ से ब्रिज से हम आए हैं। बहुत खूबसूरत नहर है, यहाँ पे आप रात में बैठें ठंडी ठंडी हवा में फ़िश खाएं, कढ़ाई खाएं, उसका मज़ा ही अलग आता होगा। लेकिन अभी हो रही है बहुत ज़बरदस्त धूप गर्मी, तो इनका अंदर डाइनिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे बैठ के हम खाना खाएंगे भाई। व्यू बहुत आला है लेकिन। खाना आ गया भाई हमारा, और खाने में हमने मंगाई है मटन कढ़ाई, ये ग्रिल्ड चिकन, और क्योंकि इसका नाम है रेस्टोरेंट का अकरवाल फ़िश पॉइंट, तो फ़िश मंगानी ज़रूरी थी। तो ये सैल्मन फ़िश है जो कि बोनलेस होती है, ये फ्राइड फ़िश हमने मंगवाई है, और इसी को मैं सबसे पहले टेस्ट करूंगा भाई। ये देखें आप, बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी लग रही है, इसके ऊपर तिल भी नज़र आ रहे हैं हमको। बिस्मिल्लाह। काफ़ी टाइप की फ़िश थी यहाँ पे, मसाले वाली भी थी, यहाँ पे फ़िश की कढ़ाई भी बनती है। ये जो फ़िश है, जिस तरह फ़िश एंड चिप्स होती है ना, सिंपल हल्के से नमक लगा के उसको फ्राई कर देते हैं, जो वेस्टर्न स्टाइल की फ़िश होती है चिप्स के साथ, उस टाइप की फ़िश है ये। फ्रेश है, अच्छी है ये भाई। ग्रिल्ड चिकन, हाफ ग्रिल्ड चिकन हमने मंगाई है ये। टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चिकन काफ़ी फ्रोज़न है, इस तरह फ्रोज़न चिकन की थोड़ी सी आती है ना, उस तरह के फील मुझको आई है। मछली जितनी फ्रेश है, चिकन उतनी फ्रेश नहीं लगी। ये भाई मटन कढ़ाई, गरम गरम रोटी, ओहो, कढ़ाई टेस्ट करते हैं। कढ़ाई भी सही है, लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो यहाँ की फ़िश है। आई थिंक मुझे फ़िश मुझे बहुत अच्छी लगी, फ्रेश लगी। और भी जो यहाँ पे फ़िश हैं, रोहू वगैरह जो ग्रिल्ड फ़िश हैं या मसाले वाली, वो भी खाएंगे, उम्मीद है मुझे वो भी ज़्यादा अच्छी होंगी। तीनों चीज़ों में सबसे अच्छी भाई ये फ़िश है, लेकिन अभी गर्मी हो रही है, भूख भी लग रही है, गर्म गर्म खाना आया है और बहुत ही मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़ मटन कढ़ाई, हाफ ग्रिल्ड चिकन, एक पाव फिश, सलाद, रायता, रोटी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक सब मिला के हमारा बिल बना 3700। तो प्राइस काफ़ी मुनासिब है, और स्पेशली रात में आने का यहाँ पे मज़ा है, एम्बियांस की वजह से आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त माहौल है। तो आज हमने मज़े की चीज़ें भी खाई और कुछ आपको फ़तेह जंग के ख़ास मवेशी भी दिखाए। आज की वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सजेशन भी दिया करें कि मुझको और किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर।